जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक और सामाजिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरी समुदाय के गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्याचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, समुदाय वडील तप चक्रवर्ती आचार्य श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहेब, ज्ञान प्रभाकर भोले बाबा आचार्य श्रीमद विजय जैनंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, सुकृत प्रवीण मुनि श्री जय कीर्ति विजय जी महाराज साहेब, कार्यदक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहिब आदि थाना धर्म कमल हॉल दरेसी में चातुर्मास हेतु विराजमान है। इस मौके पर गुरुओं ने मंगल पाठ और प्रवचन किए। हमारी महाराष्ट्र की बंबई की वल्लभ नगरी, जिसके लिए समय बहुत कम है और सभी हमारे थाना के ट्रस्टी भाग्यशालियों को निकलना है, लेकिन इतना ही शब्द कहूँगा जहाँ के लिए कि जहाँ ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें तेरी सुवास न हो। थाना नगरी के लिए कह रहा हूँ कि जहाँ ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें तेरी सुवास न हो, जहाँ ऐसा कोई दीप नहीं जिसमें तेरा प्रकाश न हो, जमी का जर्रा जर्रा गाता है तेरी गौरव गाथा। गुरु परंपरा की अनेकानेक घटनाएं, अनेकानेक प्रसंग जिस महानगरी से जुड़ी हुई हैं, ऐसी धर्म नगरी, पुण्य नगरी, श्रीपाल मैना सुंदरी से जुड़ी हुई पुण्य नगरी, तीर्थ भूमि, एक नहीं दो दो आमने सामने ऐसे भव्याति भव्य। उस व्यक्ति ने विचार किया कि इन तीन मित्रों की पहचान के लिए मैं इनको एक एक नाम दे दूं। जो मित्र प्रतिदिन मिलता था उस मित्र का नाम उसमें रखा नित्य मित्र, नियमित मिलने वाला। जो मित्र सप्ताह में एक आध बार मिला करता था उसका नाम रखा जुहार मित्र, कभी कभी मिल जाता। और तीसरा मित्र जो वर्ष में एक आध बार ही मिल पाता था उसका नाम रखा पर्व मित्र, जैसे दिवाली वर्ष में एक बार आती है, साल भर बीतने के बाद में ही दिवाली से मुलाकात होती है। तो इसी तरह से वो मित्र साल में एक दो बार कभी मिल गया सो मिल गया और उसका नाम रख दिया पर्व मित्र। काफी समय व्यतीत होता गया, दोस्ती बढ़ती गई। उस व्यक्ति ने विचार किया कि इन तीन मित्रों में मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है, मेरे दुख के समय में कौन मेरे साथ में खड़ा रहता है, मेरा वास्तविक मित्र कौन है। उसकी पहचान तो कब होगी, दुख के समय में होगी। तो अपने तीनों मित्रों की परीक्षा लेने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि मेरा इन तीनों में से सच्चा मित्र कौन सा है। यह सोच करके उसने एक योजना बनाई और एक दिन राजा को जाकर के उसने प्रार्थना करी कि राजन, मैं आपके यहां पर कार्य करता हूं, मेरी इच्छा है कि आपका जो राजपुत्र है आप इजाजत दें, आज्ञा दें कि उसको मैं अपने घर पर भोजन के लिए लेकर के जाऊं। उस बच्चे को, उस राजपुत्र को, उस राजकुमार को भोजन करवाने की मेरी इच्छा है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, वर्षों वर्षों से तुम मेरे यहां पर काम कर रहे हो, विश्वास पात्र हो, राजपुत्र को तुम अवश्य ही अपने घर ले जाकर के भोजन करवा सकते हो। राजा की आज्ञा मिल गई। राजपुत्र कोई बड़ा नहीं था, छोटी उम्र का था, छोटा राजकुमार था और वह व्यक्ति उस राजपुत्र को अपने साथ में लेकर के अपने घर जाता है और घर जाकर के उस राजपुत्र को छुपा देता है और छुपाने के साथ में उसके जो आभूषण थे वो सब चुरा लेता है, उसके वस्त्र अपने घर के बाहर फेंक देता है और वहां से गायब हो जाता है। जब राजपुत्र वापस नहीं लौटा तो राजा को चिंता हुई कि भाई क्या बात है, इतना समय हुआ अभी तक राजकुमार वापस नहीं आया, जाओ पता करो कहां गया। जाकर के देखा सैनिकों ने कि अरे भाई राजपुत्र के कपड़े पड़े हैं और राजपुत्र नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है,
राजपुत्र का अपहरण कर लिया या राजपुत्र को मार डाला या राजपुत्र को लेकर के भाग गया, हुआ तो हुआ क्या? राजा के पास बात पहुंची, राजा गुस्से में तिल मिलाया, सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी तरह से उसको पकड़ करके लाया जाए। आखिर सैनिक उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकले। अब जैसे ही वो उसको ढूंढने के लिए निकले तो सबसे पहले क्या पता किया जाता कि ये व्यक्ति किसके साथ उठता बैठता है। अब जैसे ही पता किया तो पता लगा कि अमुक व्यक्ति उसका दोस्त है, रोज उसके साथ में उठना बैठना है, सब अंतरंग बातें उससे होती हैं, उसी से जाकर के पूछो। गगनचुंबी जिनालय मुनीश्वर स्वामी दादा और साथ ही ऋषभदेव स्वामी दादा का। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। देश भर में मनाए जा रहे गणेश उत्सव को लेकर जिला फिरोजपुर में भी गणेश जी की धूम। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश भर में गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज फिरोजपुर के रामबाग में बने महिला वृद्ध आश्रम में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई। रामबाग कमेटी और वृद्ध आश्रम के प्रधान हरीश गोयल ने बताया कि वृद्ध आश्रम में महिलाओं द्वारा गणेश जी की स्थापना रामबाग वृद्ध आश्रम में की गई है, जहाँ पर पूजा अर्चना की गई है और इस महोत्सव को मनाया जाएगा। ये 23 सितंबर तक मनाया जाएगा और सतलुज में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा कि उन्हें सभी देशवासियों को बधाई भी दी। इस मौके पर कई भक्तगणों ने गणेश जी की पूजा अर्चना की। आज श्री रामबाग वृद्ध आश्रम में हम महिलाओं ने, सारी वृद्ध महिलाओं ने मिलके गणेश जी की स्थापना की है। अभी उसका स्थापना होगी, फिर बाद में कीर्तन भजन होगा, फिर बाद में लंच है और रोज हर रोज शाम को 4 बजे से 6 बजे तक सारी वृद्ध आश्रम की महिलाएं मिलकर कीर्तन करेंगी और 23 तारीख को सुबह 7 बजे पूजन शुरू होके फिर विसर्जन करेंगे। आज श्री रामबाग वृद्ध सेवा आश्रम फिरोजपुर छावनी में वृद्ध आश्रम में रह रही महिलाओं के द्वारा श्री गणेश जी की स्थापना विधिवत पूजन कर स्थापना की जा रही है। आज से 5 दिन तक यहाँ प्रतिदिन भजन कीर्तन चलेंगे। प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की स्टालें बहनों के सहयोग से फिरोजपुर वासियों के लिए लगाई जा रही हैं। 23 तारीख को विसर्जन किया जाएगा, सुबह सतलुज दरिया के किनारे गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। सभी देशवासियों को मैं आज के दिन गणेश चतुर्थी की बहुत। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। खुदाई के दौरान ब्रिटिश हॉल के हथियार से मचा पूरे गाँव में हड़कंप। पुलिस मौके पर पहुंच सभी हथियारों को लिया अपने कब्जे में। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र विक्रम सिंह विशनपुरी गांव में उस समय माहौल तनावपूर्वक हो गया जब अशोक सिंह अपनी जमीन के खेत को बो रहे थे। इसी समय उन्होंने ट्रैक्टर से खुदाई करना शुरू की। इसी दौरान 5 तलवार 3 बंदूकें 1 भाला उन्हें खेत में से मिला। खेत मालिक ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और हथियारों को सील कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इन हथियारों को देखकर बहुत हैरान हुए। इसके बाबत जमीन मालिक का कहना है कि यह बहुत पुराना बाग है, जब इसकी खुदाई करवा रहे थे तो हमने इसकी सूचना पुलिस को दी कि इसकी खुदाई के करते समय हमें यहाँ से हथियार बरामद हुए हैं। लगता है कि यह 1857 के समय के हैं जब गदर मचा था। उस समय सिपाही भागे थे, तभी किसी ने यहाँ उनको दबा दिया था। रुद्रपुर 87 स्टेट से सटा हुआ है। हम लोग के पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस विषय में उन्होंने कई और विचार पुलिस वालों को दिए। बहुत पुराना बाग है जिसको हम बराबर करा रहे थे। ट्रैक्टर में लगा और ट्रैक्टर वाले देखे तो वहाँ हथियार मिला। हमने पुलिस को खबर कर दी, फिर ले जाकर पहुँचा दिया। क्या क्या था उसमें? 5 तलवार थी 3 बंदूक का नाल और 1 भाला। कब का था ये, क्या लग रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना था। 1857 के गदर के समय जब लोग भागे थे सिपाही, वही किसी ने गाड़ी दिया। आपने पुलिस को दे दिया? पुलिस को दे दिया। क्या इस गांव में कोई राज में कोई इस तरह के अंग्रेज शासक या कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कोई थे यहां पे? हम लोगों के परिवार के पूर्वजों की कहानी है। गौरी बाजार थाना एरिया में एक किसान, उनका खेती का ऐसे वो है ट्रैक्टर से गोदने के समय
जमीन से 3 बंदूक, 5 तलवार, 1 बाला ये मिला है। वो सभी थाना में हैंड ओवर कर दिया। अभी मैं डीएम से बात करके एएसआई के माध्यम से ये कितनी पुरानी है, उधर बात हो रहा है ब्रिटिश पीरियड का है, डेट ऐसे 100 ईयर 150 ईयर का ओल्ड हो सकते हैं, लेकिन हम एएसआई के माध्यम से इसका चेक करेंगे, चेक करके कितने। यूपी देवरिया से कुलदीप पाठक की रिपोर्ट। फरीदकोट में बाबा शेख फरीद जी का आगमन पूरब हुआ शुरू। 19 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा मेला। कहते हैं कि फरीदकोट की पुरानी कहानी यह है कि 12वीं सदी के सूफी संत बाबा शेख फरीद जी अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान आज के दिन फरीदकोट में आए थे। इतिहास के मुताबिक इस शहर का पहले नाम मोकल हर था, जहाँ के राजा मोकल चंद अपने महल को बनवा रहे थे। जब बाबा जी वहाँ पहुँचे तो राजा के सिपाहियों ने उनसे कहा कि आप भी इस महल को बनाने में मजदूरी करें, और जब बाबा जी ने मिट्टी से भरे तसले को उठाया तो वह तसला बाबा जी के सर से 2 हाथ ऊपर उठ गया, जिसको देखते ही सब हैरान हो गए और राजा तक यह बात पहुंची। उन्होंने बाबा जी की शक्ति को पहचाना और आके उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने माना कि बाबा जी एक बहुत दिव्य शक्ति वाले हैं। उसके बाद शहर का नाम मोकलहर से बदल कर फरीदकोट रखा गया। इसी के दिन को लेकर बाबा फरीद जी का आगमन पूर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है, जिसमें कई तरह के धार्मिक, सभ्याचारिक, स्पोर्ट्स और कल्चर प्रोग्राम, जिसमें ड्रामा, लोकगीत और पेंडू खेल के मुकाबले करवाए जाते हैं। आज पहले दिन टिल्ला बाबा फरीद से सुखमनी साहिब के पाठ से आरंभ हुआ, जिसके बाद आज पुस्तक मेला और ब्लड कैंप लगाए गए। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से सभ्याचार को दर्शाते काफिले विरासत निकाला गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से रंग देखने को मिले। वहीं दूसरे राज्यों से इस मेले में हिस्सा लेने आए कलाकार इस मेले में शिरकत करके खुश नजर आए और अपने लोक रंग पेश कर उन्हें खुशी महसूस हुई और दूसरों को उन्हें खुशी प्रकट की। उन्होंने पंजाब के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि पंजाब के लोग, उनका कल्चर हमें बहुत अच्छा लगता है और पंजाबी और पंजाब के लोग मिलनसार हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम है गीतांजलि देवी, हम लोग असम से आए हैं। हम लोग का ग्रुप का नाम है सॉफ्टवेयर की लोको क्लिस्टी एकेडमी। हम लोग यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जो असम का, हम लोग का जो असम का बिहू है और वो, और बागरुम्बा और बोरू करने वाले हैं। बाबा जी के यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी मिल रही है, हम लोग पहले बार आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अमनदीप कौर है, असी जी पंजाबी सभ्याचार दिखा रहे हैं जी, जो कि दुनिया भुलदी जा रही है जी। तो असी हर साल बाबा फरीद दे मेले ते इस तरह परफॉर्मेंस करते हैं जी। सानू बहुत वधिया लगता है जदों असी आपदा पंजाबी पहरावा पाउने आ जी, तो इत्थे सारे मतलब कि देखते ने सानू, तो साढ़े वल वेख के प्रेरित होंगे ने पंजाबी सभ्याचार वल जी, क्योंकि जिहड़ी दुनिया वह पछमी सभ्याचार वल जा रही है जी, आपदे पंजाबी सभ्याचार नू भुल के। इसलिए असी यही चाहते हैं कि सानू वेख के सारे जिहड़े लोग आ प्रेरित होण अते अपने पंजाबी सभ्याचार नाल जुड़न जी। गीतांजलि देवी, सप्तर सिर्फ कल्चर अकादमी। अच्छा। नहीं, ऐसे तो प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन बाबा जी के प्रोग्राम फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा। क्या परफॉर्म करेंगे? बिहू भी करेंगे और हम लोग का वहाँ का ट्राइबल्स जो है बागुरुम्बा वो भी करेंगे और झूमर भी करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, और 4 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे। फरीदकोट से गगन सिंह की रिपोर्ट। फरीदकोट से गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। संथारा साधिका उप प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी की सुशिष्य, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज की शिष्य, जिन शासन पारस मणि श्री समता जी महाराज आदि ठाणे 8 मंगलमय चतुर्मास हेतु SS जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है, जहाँ उन्होंने मंगलमय चतुर्मास में पाठ और प्रवचन रिपीट जहां उन्होंने मंगलमय चतुर्मास में पाठ और प्रवचन किए और लोगों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर भक्तों ने पहुंचकर गुरुओं के मंगलमय चतुर्मास में पाठ और पूजा सुनकर अपना जीवन सफल मनाया। नमो लोए सब साहुन, नमो अरि हंतान, नमो से दान, नमो आ रियान, नमो
लुधियाना से कैमरामैन केवल मठारू के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। सब टीवी पर प्रसारित हो रहे धारावाहिक जीजा जी छत पर है कि स्टारकास्ट आज अमृतसर पहुंची। इस मौके पर टीम ने प्रेस वार्ता करके इस हास्य धारावाहिक के पात्रों के बारे में बताया। दरअसल यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें कि एक लड़की जिसको कि अपने घर पर आए एक किराएदार से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसको जीजा जी कहती है और किस तरह उसका पिता इस में भूमिका निभाता है और हंसी की फुलवारी इस धारावाहिक में बनती है। इसी धारावाहिक में अलग अलग रंगों से अलग अलग किरदारों में लोगों ने अपना योगदान दिया है। धारावाहिक के मुरारी नाम से है और सोम राठौर जो कि एक करुणा नाम से हैं वह इसका एक किरदार निभा रहे हैं। साथ ही हिबा नवाब इलायची नाम से अपना किरदार निभा रही है। इस बीच इन तीनों पात्रों की हंसी मजाक की यह एक कहानी है। यह जब छोटे पर्दे पे आएगी तो लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।
इलायची का पापा हूँ। जीजा एक्चुअली जो है वो पंचम है, जो मेरे बरसाती छत पे रहते हैं, जिनको इलायची जीजा जी कहके बुलाती है, जिन पे ये शो है जीजा जी छत पर हैं। हमेशा इलायची जब भी ऊपर जाती है तो पूछती है जीजा जी छत पर हैं, उसी टाइटल पर ये हमारा शो है कि जीजा जी छत पर। क्या अलग है इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में देखिए ये अलग है कि चांदनी चौक का माहौल है और एक फैमिली जो है वो बहुत ही कमाल की फैमिली है। सबका रिलेशन अपने आप में बड़ा जबरदस्त है, बाप बेटी का, फादर मदर और क्या कहते हैं बीवी और उसका हस्बैंड, मेरा नौकर का, जीजा जी का और उनकी जो फ्रेंड है, ये हम उनको क्या साली तो बोल ही नहीं सकते ना, तो वो उनका क्या। और फिर पिंटू भाभी जो लड़का है और एक्चुअली लोगों को लगता है कि वो लड़की है, तो उसके साथ में लड़की की तरह भी हेल्प करता हूँ कि अरे आप नहीं मिसेस पंचम आप ये कर रही हैं, तो एक डिफरेंट सा फैमिली है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। सरकार द्वारा किसानों को हमेशा यही संदेश दिया जाता है कि फसल की कटाई के बाद पराली को आग ना लगाई जाए, इसके कारण वायु प्रदूषण होता है, साथ में लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। सरकार द्वारा किसानों को हमेशा यही संदेश दिया जाता है कि फसल की कटाई के बाद पराली को आग ना लगाई जाए, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, साथ में ही लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। लेकिन जब पंजाब किसान पराली को जलाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। इसमें किसानों की गलती भी है, क्योंकि पहले पराली को संभालने के ऑप्शन नहीं थे। सरकार द्वारा खेती के कई तरह के औजार खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी की सहूलत भी दी जाती थी, जो किसान आधुनिक औजारों की मदद से फसल की कटाई करें। सरकार की स्कीमों के बावजूद भी किसान नए औजार खरीदने के लिए तैयार नहीं है और उसे पराली को जलाना ही सही ढंग नज़र आता है। इसके अलावा किसान सरकार की स्कीमों में भी खुश नहीं है। बढ़ रहे डीजल के दाम भी किसानों के लिए बड़ी समस्या है। किसानों का कहना है कि माचिस से काम चलता है, वहां लाखों की मशीनरी खरीदने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए पराली को जलाने का यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस मसले में किसानों को किस तरह राजी करती है और इसका कैसे हल निकालने की कोशिश करती है। हालांकि सारे किसान इस तरह के नहीं हैं, कुछ किसान आधुनिक मशीनों से पराली की कटाई करते हैं। लुधियाना से अभिषेक बहल की रिपोर्ट। जलंधर के रूपोवाल पिंड में लगा छिंज मेला। जलंधर जिले के पिंड रूपोवाल में लगा 3 दिवसीय छिंज मेला। यह मेला पिछले 100 साल से अधिक समय से बाबा बसाऊ जी के प्रांगण में इसी तरह हर साल आयोजित किया जाता है। धारणा यह है कि जो भी यहाँ पर आकर सच्चे मन से कुछ मांगता है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। लोगों ने ढोल नगाड़ों से आकर प्रभु के दर्शन किए और गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर मेले में रंग बिरंगी दुकानें सजाई गई थी और लोग खरीदारी कर रहे थे। मेले में पंजाबी गायक भी पहुँच कर अपनी हाजिरी भरते हैं और सभ्याचारक और अपने गीतों से लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस मेले में दुनिया भर के पहलवान अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचते हैं और कुश्ती के अखाड़े में अपना दमखम दिखाते हैं। जीतने वालों पहलवानों को आयोजकों की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाता है, जैसे कि प्रथम पुरस्कार मारुति कार, द्वितीय पुरस्कार बुलेट मोटरसाइकिल और तृतीय पुरस्कार हीरो होंडा मोटरसाइकिल होती है। इस मौके पर छोटे बड़े कई और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। देश विदेश से लोग इस मेले में शामिल होने के लिए पिंड रूपोवाल में पहुंचते हैं। एक बात तो सच है कि हमें पंजाबी इतिहास जानने और देखने के लिए, अपने नौजवानों को पंजाब का इतिहास समझाने के लिए समय समय पर इस प्रकार के सभ्याचारिक छिंज मेले लगाते रहना चाहिए, जो उसके कई फायदे हैं। एक तो यहाँ पर अपने पुराने खेल कबड्डी, कुश्ती, दौड़, इस तरह के खेलों को देख के हमारा नौजवान खेल की तरफ प्रेरित होता है और नशों से बचा रहता है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज रूपोवाल पिंड बाबा बसाऊ जी का छिंज मेला छिंज मेला गाउन वजाउन चल रहा है, कुश्तियां का मेला भी हो गया, बड़े बड़े पहलवान आए हैं, चोटी के गड्डी मोटरसाइकिल इनाम दे, बहुत
ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ? 158 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ 158 ਛਿੰਝ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਰਵਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੀ? ਮਾਨਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰੂਪੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਸਾਓ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛਿੰਝ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਛਿੰਝ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬਸ ਇਹੀ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ ਕੁਝ ਔਰ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ਆਪ ਯੂੰ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਕੇ ਸਾਥ। ਜੈ ਜਿਨੇਂਦਰ।